कोलारस तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डूंढियाई पर बने रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण एक दर्जन गांव के लोगों का बरसात के दिनों में रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में इन गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसके चलते आज इन ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही SDM ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव, SDOP विजय यादव मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की समस्या सुनकर SDM समझाइश कर समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने ट्रेन रोकने के मामले को शांत किया। मौके पर कोलारस पुलिस थाना स्टाफ मौजूद था। मेरा नाम अक्केपाल भाटी रहता हूँ साहब। आज जो ट्रेन रोकी जा रही है, क्या कारण है इसका? कारण ये, इसमें निकल नहीं पाते। मरीज को कीड़ा ने सताया था साहब, ऊपर उड़े बड़ी मुश्किल से निकाले, कोई निकल नहीं देता। ऊपर जो है जाल तार फेंसी या खोल निकले या बताओ, इतनी परेशानी है। मोटरसाइकिल निकलती नहीं, कोई बाहर निकलता नहीं है, और घर है बहुत इतनी परेशानी है। 4-5 दिन से बाजार नहीं जा पाए। कौन कौन से गाँव के लोग परेशान है? हिनोतिया, बछोरिया, बब्बू का कनामदा है, और बसंतपुरा भाटी खनादो जूर है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है पहले? आप, मैंने तो नहीं की साहब, मैं तो पहली बार आया हूँ। इसी परेशानी देख के ऐसी ऐसी समस्या है, अब क्या करें साहब, बोलो। क्या नाम है आपका? दिनेश रघुवंशी। कहाँ से है? क्या मामला है, आज ट्रेन क्यों रोकी जा रही है? ट्रेन इसलिए रोकी जा रही है, सभी ग्राम वासियों का ये रेलवे का जो ब्रिज बना है, इसमें 5-8 गाँव का रास्ता है। हिनोतिया, बछौरिया, कनावदा, बसंतपुरा, भाटी और भी गांव जुड़े हुए हैं, आ गए 8-9 गांव का रास्ता है। सभी लोगों को इतनी परेशानी है कि इसमें आप देखो, किसी की बाइक नहीं निकल पा रही, किसी को कोई बीमार हो जाए तो आदमी लेके नहीं जा पा रहा। सभी लोग इससे इतने परेशान हैं। आज 6 रोजों से अपने घर से कोई बाजार नहीं जा पा रहा, निकल नहीं पा रहा। ऊपर से निकलने का रास्ता है नहीं, अगर ऊपर से निकलते हैं तो पुलिस वाले प्रशासन को रोक करते हैं कि ऊपर से मत निकलो, और नीचे इसके अलावा जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं है ग्रामवासियों को। तो हम सभी लोगों बहुत इस रास्ते से परेशान हैं, और सरकार से इसकी कई बार कह चुके हैं, ना तो कोई आता है, ना कोई सुनता है, और इसमें ना कभी कोई पंप चलता है। कभी आते हैं दिखाने के लिए, पूरे 4 महीने बाद एक बार पंप चलाया, 2-3 घंटे, इसके बाद का अभी तक कोई देखने नहीं आया। सर, आज ये ट्रेन रुकने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? ये ग्रामीण यहाँ, ये जो रेलवे का अंडर ब्रिज है, यहाँ पानी भरने की शिकायत है। लोगों का कहना है कि पहले रेलवे द्वारा पानी की निकासी की जाती थी मोटर वगैरह रखवा कर, तो इसका संज्ञान ले लिया, रेलवे को सूचित करेंगे और कार्रवाई करेंगे।